नमस्कार दोस्तों, आज आपको एक नया एटम और नया चीज देखने को मिलेगा। इसमें हम स्टेपी पंप में लगा दिए हैं अनलोडर। ये सब इतना तामझाम इसलिए लगाए हैं कि हमारे विरोध में जो बोलने वाले हैं उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। मोटा मोटी समझ लीजिए कि अब गन से इतना बड़ा मोटर ऑपरेट होगा। देखिए, गन बंद, मोटर बंद। इसका सिस्टम है, यहाँ से हम लिए हैं। ये माइक्रो स्विच है, वहाँ पे आपका वो उसका पैनल है जो देख रहे हैं, जो ग्रीन लाइट जल रहा है, रेड लाइट जल रहा है, वही इसका मेन स्टार्टर है। आप सोचते होंगे कि इतना छोटा उतना बड़ा मोटर को कैसे रोक लेता है, तो 12 वोल्ट से इसको यहाँ पे करंट देता है। इसका नॉलेज नहीं था, हम एक ठो को देखे थे कि ये बोल रहा था 4 HP में जो लगा दिया है IMAX वाला, तो IMAX वाला जो माइक्रो स्विच 4 HP में जो लगाया है या 3 HP में, उसका 12 वोल्ट से ऑपरेट होता है। उसी तरह का डिजाइनिंग अलग है, लेकिन उसी तरह का उसमें भी सिस्टम पैनल का है। डिजाइनिंग से हमें लेना देना नहीं है, उसका वर्क से लेना देना है। अब देखिए इसका आराम से, जैसे हम गन बंद करेंगे, थोड़ा उधर से लो, दोनों स्टार्ट होगा, साथ में आएगा। आपका मशीन ऑन ऑफ होगा। इसको जब आपको स्टेपी पंप में लगाना होगा तो हमें बताइएगा उसमें क्या क्या चाहिए। ये अनलोडर और एक ऐसा स्टार्टर, वो स्टार्टर घटिया है, वो नहीं जाएगा, उससे स्टैंडर्ड क्वालिटी का जाएगा, क्योंकि वो आने में कोरियर में टूट गया था। दिखा दो थोड़ा, तो एकदम हल्का मॉडल है। ये वाला नहीं जाएगा, इससे महंगा वाला जाएगा, जो कि स्टार्टर और आता है 12 वोल्ट से ऑपरेट, जो ऑटोमेटिक इसका सेंसर के साथ ये दोनों वर्क करता है। ये दोनों का तार इस तरह से जोड़ देना है और ऐसे चलाना है, ऐसे गन को दबाना है। ऐसे बंद हो गया, तो इससे क्या होगा, अब आपका ये स्टेपी पंप सुरक्षित हो जाएगा अगर चलाना चाहते हैं। और 3 HP से आपको चलाना है, ये अभी 2 HP का है, और ये कहीं गन चलाना है, 2 गन भी चलेगा, लेकिन वही होगा कि तब ऑटो कट आपका वर्क नहीं करेगा। जब हमको ऑटो कट पे नहीं लेना है तब हम इसको क्या करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 मोड है, एक वर्किंग मोड और एक बाईपास मोड। जब हम इस स्विच को ऐसे कर देंगे तो हमारा मोटर देखिए डायरेक्ट हो गया। आप सोचिएगा कि ये फट जाएगा, ऐसा भी नहीं है, अभी भी हमारा वर्क कर रहा है। देखिए अब इधर से दूसरा फंक्शन दिखाते हैं, ठीक है जी। गन बंद कर दिए तो ये मीटर देखिए 0 हो गया है। गन चालू करेंगे तभी इसमें प्रेशर बताएगा। गन बंद किए 0 हो गया, यानी कि फिर से हमारा न्यूट्रल। अब यहाँ से देखिए फंक्शन इसका, यहाँ से भी पानी निकल रहा है। देखिए आने के हम ऑटोमेटिक भी इसको चला सकते हैं और ऐसे भी मैनुअल भी चला सकते हैं। बस इस स्विच को इधर कर देंगे, ये स्विच को जैसे इधर करेंगे ये ऑटोमेटिक मोड में आ गया। अब ये देखिए आराम से बंद हुआ गन, गन भी बंद, मशीन भी बंद। यहाँ भी कोई आपको ऑन ऑफ नहीं करना है, बस एक बार ऐसे करके इसको ऑन कर देना है। ये ग्रीन लाइट जल गया आपका। ये जो है ना, ये सही क्वालिटी का नहीं है, वही वर्क इसको नहीं करवा रहा है। प्रेशर देखते हैं इसका, लाजवाब प्रेशर बनाता है ये। देखिए गन बंद, मशीन भी बंद। अब इधर करके दिखाते हैं। अब लोगों का कहना था कि स्टेपी पंप ज़्यादा पानी लेता है, ये ज़्यादा पानी उनी कुछ नहीं लेता है, ये नोजल का कमाल है, ज़्यादा और कम निकालने का, समझे। और दुनिया में कोई चीज़ ऐसा असंभव नहीं है जो कि हमारे पास नहीं हो सकता है। इसको कम से कम 8 रोज हमारा समय लगा अभी, और जो है इसका एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का जब सामान आएगा तब इसका देखिएगा परफॉर्मेंस। अभी ये स्टार्टर जो है हमारे लायक नहीं है, जो नहीं है सो नहीं है।
सीधी सी बात है, जिसका क्वालिटी अच्छा नहीं है तो सच बोलने में बुराई क्या है। अभी जैसे कि आप लोग वीडियो देखे फट से देखे, इधर देखे उधर देखे, कंपनी सर्च करके खरीद लीजिएगा, बाद में ऐसे पकड़िएगा, बाद में हमें फोन कीजिएगा कि नहीं हो रहा है। तो जो अगर इसका हम प्रमोशन कर देंगे तो कल दिन यही घटिया मशीन ये लेकर के बेचना शुरू कर देगा कंपनी। इसलिए वो चीज को ही प्रमोट ही नहीं कीजिए जिससे कि हमें दिक्कत हो। देखिए अभी गाड़ी धोए हैं, इसी से गाड़ी धोए तो क्या हम क्या करेंगे? हम भी तो खरीद के लगाए हैं, कोई तो प्रमोशन करने के लिए तो लाए नहीं, अपना पैसा लगाए हैं अपना। देखिए एक एक चीज खरीदते हैं, नट बोल्ट इसका खरीदते हैं। अब जब ये तैयार होता है, एक मशीन को तैयार करने में कम से कम नहीं भी इसको सेट करने में हमारा जो है 4 से 5 हज़ार रुपया फालतू लग जाता है। ये लगाओ वो लगाओ, जब ये परफेक्ट हो जाता है तब हम कंपनी को बताते हैं ऐसा ऐसा अब आपको बनाना है, समझे? तो इसी बात पे एक लाइक तो बनता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, अगर हमारा बात से आप सहमत हैं तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और एक कमेंट भी कर देंगे। ये बात को कान में खोस लीजिएगा, कमेंट करना है तब हम समझेंगे आप हमारा कितने सपोर्ट में। इसी बात पे एक बार गन को हम चालू करते हैं। अब इसी से फॉर्म भी होगा, क्यों नहीं होगा, सब कुछ होगा, यहीं पे करेंगे आप। इसके बाद टर्बो नोजल देखो तो उधर है, इसमें टर्बो नोजल भी लगा देंगे। और क्या, वो चार गो वाला लाओ, इस चलेगा, लंबी रड भी लगाएंगे वो भी चलेगा। आप बोलिएगा ये वाला रड नहीं चलेगा, सब चीज चलेगा, वो चलाने का सिर्फ दिमाग चाहिए। देखिए ये भी चलेगा, देखे चल रहा है आपका, ये भी चलेगा, मशीन भी ऑन ऑफ हो रहा है। अब तो ये नहीं रहा कि ये पंप टूट जाएगा फूट जाएगा, जब मशीन को ही हम बंद कर देते हैं तो टूटेगा फूटेगा तो देखा जाएगा। हमारे पास तो टूटा नहीं, आपके पास टूट सकता है, काहे कि आपको खरीदना है ना, क्योंकि भाषण तो लंबा लंबा देना है, ये करके दिखाओ, इसका वीडियो बना दो, मुफ्त का वीडियो बनता है का, हर चीज में नोट खर्चा होता है, आप तो 1 रुपया खर्च नहीं कीजिएगा, सिर्फ मजा लेना है और एक लाइक भी तो करना नहीं है। देखिए दूसरा वाला भी होगा ना, हो गया है, छेदे जाम हो गया है। इसका 2 छेद जाम हो गया, दूसरा वाला ला तो वहां पे है। एक चीज मैं बता दूं कि ऐसा मॉडल ऐसा साइड वाला चक्का वाला नहीं लेना है। ये स्टार्की और जेपीटी का हम देखे हैं अमेजोन पे, जो कि नीचे चक्का रहता है वो मजबूत होता है। ये देखिए ये चक्का टूट जाता है, इसका चक्का टूट जाता है, बाकी सब ठीक ठाक है। 1700-1800 ये पूरा सेट लीजिएगा 3400 का आता है, और अमेजोन पे स्टार्की जेपीटी 1700 से 1800 में बेचता है, वो सही है, जो सही है उसको सही बोलेंगे। ऐसे स्टार क्यों से ऐसे ही झगड़ा है हमको, लेकिन सही बेच रहा है जेपीटी स्टार क्यों, सही है सही है। ये देखिए और देखिए कितना ताजा से चल रहा है, ये तो घूमने लगा था रे, देखे का घुमा के, देखते हैं घुमा के घूमता था अभी। इसी तरह से हवा से रोटिंग होता है,
इसका जो है ना छेद छोटा होता है, ये जाम बहुत जल्दी जल्दी होता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, नए हैं सब्सक्राइब कर देंगे। जय हिंद जय भारत। ये कैसा लगा फंक्शन हमें बताइएगा कमेंट करके। दिन में हमें कोई कॉल करके परेशान ना करेंगे। जय हिंद।